ये जो आप मशीन देख रहे हैं ये है ऑटोमेटिक स्क्रेडिंग मशीन। इसका मॉडल नंबर है लोम 106E। इसके द्वारा फ्लोरिंग करने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा कि मिक्सर को लेवल देना पड़ेगा। आप जितने लेवल में फ्लोरिंग करना चाहते हैं उस हिसाब से मिक्सर का बिल्कुल लेवल दे दीजिए और लेवल करने के बाद इन प्लेट को रख दीजिए, क्योंकि इन्हीं प्लेट में ही तो मशीन रन करेगी। अब जैसे ही आप मशीन स्टार्ट करते हैं तो यहाँ देखिए कि फ्लोर में लेवलिंग होने स्टार्ट हो गया है। इसमें जो फिनिशिंग आ रही है वो कैसी है बताइए। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो फिनिशिंग हाथों से आती है उससे भी अच्छी फिनिशिंग आ रही है, बताइए आ रही है कि नहीं। क्योंकि जब भी हम हाथों से करते हैं तो हम बहुत ही कम स्पेस कवर कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये मशीन एक ही बार में काफ़ी स्पेस कवर कर रही है। इसमें एडजस्ट करने का भी ऑप्शन दिया जाता है, आप चाहे तो 2.4 मीटर से लेके 3.7 मीटर तक इसके विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। जितने बड़े साइज में आप लेवलिंग करना चाहते हैं तो इसका विड्थ अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। ये बहुत ही स्पीड वर्क करती है, इसका यूज करके आप अपना लगभग 80% तक समय बचा सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, 80% तक समय बच जाएगा, क्योंकि हाथों से करने पर लेवलिंग बराबर नहीं आती है, इसी कारण से इसको प्रॉपर लेवल देने में समय लग जाता है। वहीं पर इसके द्वारा लेवलिंग करने के लिए आपको सिर्फ एक बार लेवल फिक्स करके प्लेट लगाना पड़ेगा, उसके बाद मशीन ऑटोमेटिकली ही लेवल करते हुए आगे बढ़ती जाएगी। ये फुली इलेक्ट्रिक मशीन है। यदि इसके पावर कंजप्शन की बात की जाए तो लगभग 0.7 किलोवाट है। इसकी पूरी बॉडी यहाँ आप देख रहे होंगे हाई ग्रेड एल्युमिनियम की बनी हुई है, जिससे कि वजन सिर्फ 50 किलोग्राम है। काफ़ी अच्छे क्वालिटी मटेरियल का यूज किया गया है, इससे इन फ्यूचर कभी जंग वगैरह लगने की दिक्कत नहीं आएगी। इसकी दोनों साइड आप देख रहे होंगे कि व्हील लगे हुए हैं, इससे फायदा ये है कि आपको आगे बढ़ाना नहीं पड़ेगा बल्कि मशीन ऑटोमेटिकली ही ड्राइव करते हुए आगे बढ़ती जाती है। यदि छोटा एरिया है जैसे कि रूम वगैरह है तो वहाँ पर आप एक ही मशीन यूज कर सकते हैं, लेकिन यदि आप बड़े एरिया में यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर आप दो मशीन भी एक साथ रन कर सकते हैं, क्योंकि इसको चलाने के लिए बहुत मेहनत तो करना है नहीं, सिर्फ आपको एक बार लेवल करना रहेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली ही फिनिशिंग होती जाएगी। इसका यूज करके आप सिर्फ एक घंटे में 100 मीटर स्क्वायर एरिया में फिनिशिंग कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, 100 मीटर स्क्वायर एरिया। अब इसकी कैपेसिटी आपको कैसी लग रही है नीचे मुझे कमेंट करके अभी बताइए। इसी मॉडल में एक और मशीन है, ये फ्लोर मास्टर। ये मशीन पिछले मशीन से भी एडवांस है, जो कि सिर्फ एक घंटे में 120 मीटर स्क्वायर एरिया में लेवल कर देती है। जी हाँ बिल्कुल, पिछली मशीन जहाँ पर 100 मीटर स्क्वायर एरिया में लेवल कर रही थी, वहीं पर ये मशीन 120 मीटर स्क्वायर एरिया में लेवल कर देती है। इसका वजन भी सिर्फ 50 किलोग्राम है। इसमें सबसे खास चीज पता है क्या है, ये मशीन रिमोट कंट्रोल सिस्टम में आती है। जी हाँ बिल्कुल, रिमोट कंट्रोल। इसका मतलब ये है कि आप रिमोट से कंट्रोल करके सीमेंट लेवल कर सकते हैं। इसका डायमेंशन 160 सेंटीमीटर से लेके 300 सेंटीमीटर तक है। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि आप कितने चौड़ाई में लेवल करना चाहते हैं। इसके नीचे आप देख रहे होंगे कि लेवल करने के लिए इसमें कोई प्लेट नहीं बल्कि दो रोलर लगे हुए हैं। इसके द्वारा फिनिशिंग और भी गजब की आ रही है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जहाँ पर एक प्लेट को दो बार रन करना पड़ता है वहाँ पर इसमें दो रोलर लगे हुए हैं, इससे समय और बच जाता है और फिनिशिंग भी गजब की आ रही है। ये मशीन्स बड़े लेवल में वर्क करने के लिए काफ़ी बेहतरीन काम करती हैं, लेकिन यदि छोटे लेवल में वर्क करना है तो उसके लिए क्या, तो टेंशन ना लीजिए हम, है ना। जरा इस स्क्रीडिंग रोबोट को देखिए। इसका साइज आप देख रहे होंगे कि बहुत बड़े साइज की नहीं है, एकदम कॉम्पैक्ट साइज की है। ये बिल्कुल रोबोटिक वर्क करती है। जी हाँ बिल्कुल, एकदम रोबोटिक। इसके द्वारा लेवलिंग करने के लिए आपको सिर्फ एक बार मशीन सेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपके घर में चाहे जितने भी रूम हो हर एक रूम में लेवलिंग होने स्टार्ट हो जाएगी। इसकी आप वर्किंग प्रोसेस देख रहे होंगे कि एक डायरेक्शन में लेवल करने के बाद मशीन ऑटोमेटिकली ही डायरेक्शन चेंज करके दूसरे डायरेक्शन में लेवल कर रही है। ये देखिए, आपको यहाँ पर हाथों से चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही रूम में लेवल होगा, इसमें आप छोटे एरिया से लेके बड़े एरिया तक में लेवल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, एक छोटे से एरिया गली में लेवल हो रहा है। ये इतने एडवांस लेवल की है कि हर चीज़ स्कैन करने के बाद ही लेवल करती है। इसके आगे दीवार है तो यहाँ पर मशीन डायरेक्शन चेंज करने के बाद आगे साइड लेवल कर रही है। यहाँ पर देखिए, एक रूम में फिनिशिंग करने के बाद ये अपने आप ही दूसरे रूम में चली जाती है, आपको हाथों से ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बताइए क्या कहना चाहेंगे इस फीचर के बारे में। अब बहुत सारे लोग यही पूछेंगे कि सर ये मशीन सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में वर्क करेगी या फिर स्लोप में भी लेवल कर पाएगी। तो देखिए, इसका यूज करके आप 12% तक स्लोप में लेवल कर सकते हैं। तो यदि आप अपने रूम या फिर आउटडोर में स्लोप देना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। इसका जो हेड है वो कार्बन फाइबर का बना हुआ है और हर 30 सेकंड में आप देख रहे होंगे कि इसका ड्राइविंग डायरेक्शन चेंज हो रहा है। दरअसल एक ही जगह में ये 2 से 3 बार लेवल हो रहा है, इससे फिनिशिंग और भी अच्छी आ रही है। यदि आप चाहें तो इसके विड्थ को भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 70 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर तक सेट करने का ऑप्शन दिया जाता है। तो एक बार में जो लेवलिंग हो रही है वो लगभग 100 सेंटीमीटर की चौड़ाई में हो रही है।
यह मशीन 74 किलोग्राम की है और बहुत बड़े साइज की नहीं है। इसका लेंथ 0.75 मीटर, विड्थ 0.6 मीटर और यदि हाइट की बात करें तो 0.78 मीटर है, तो बहुत ही कम जगह कैप्चर करती है। अब मेन बात आती है इसके प्रोडक्शन की, तो इसके द्वारा जो प्रोडक्शन है वो 72 मीटर स्क्वायर है। इसका मतलब ये है कि यदि आप मशीन को सिर्फ एक घंटा चलाते हैं तो आप 72 मीटर स्क्वायर एरिया में लेवलिंग कर पाएंगे। शायद ये मशीन आपको बड़ी लग रही होगी, तो आप जरा इस फ्लोर मास्टर टाइप 130 को देखिए। ये मशीन साइज में भी छोटी है, वजन भी कम है और इसका जो डायमेंशन है वो भी 130 सेंटीमीटर का है। इसमें सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है, इसमें ऑटोमेटिक लेजर लेवलिंग का ऑप्शन दिया जाता है, तो मशीन लेजर सिस्टम का यूज करके लेवल करती है। इसमें ये इशू बिल्कुल नहीं आएगा कि कहीं पर ज्यादा हो गया है तो कहीं पर कम हो गया है, पूरे रूम को स्कैन करने के बाद ही ये लेवल करती है। ये दो मोड में आती है, एक मोड का यूज करके आप 80 सेंटीमीटर तक लेवल कर सकते हैं और दूसरे मोड का यूज करके आप लगभग 130 सेंटीमीटर तक लेवल कर पाएंगे। पिछले मशीन सिर्फ 100 सेंटीमीटर ही लेवल कर रही थी। इसका डिजाइन आप देख रहे होंगे कि इसमें दो रोलर लगे हुए हैं और इसका जो हेड है उसे आगे किया गया है। इससे फायदा ये होता है कि आप दीवार के साइड तक लेवल कर पाएंगे। जहां पिछले मशीन का वजन 75 किलोग्राम था, वहीं पर इस मशीन का वजन सिर्फ 60 किलोग्राम है और आगे आप जो मशीन देखने वाले हैं उसका वजन तो सिर्फ 50 किलोग्राम है। वैसे आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी, यदि आप इन सभी मशीन्स को सिर्फ एक मिनट में देखना चाहते हैं तो स्क्रीन में आपको एक चैनल दिख रहा होगा, इसमें आप सिर्फ एक मिनट में हर एक मशीन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसमें भी बिल्कुल रिमोट कंट्रोल सिस्टम दिया गया है, तो आप रिमोट से ही ऑपरेट कर पाएंगे। वैसे जब इतनी एडवांस लेवल की मशीन बनाई जाती है और उसमें यदि रिमोट का ऑप्शन न मिले तो वो मजा नहीं आता है, तो इसमें हर एक सिस्टम दिया गया है। साइज की बात करें तो लेंथ और विड्थ 80 सेंटीमीटर है और हाइट सिर्फ 70 सेंटीमीटर है। इतनी कॉम्पैक्ट साइज होने के बाद भी इसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 100 मीटर स्क्वायर पर आवर है। जहां पिछली मशीन सिर्फ 72 मीटर स्क्वायर एरिया में लेवल कर रही थी, वहीं पर ये मशीन 100 मीटर स्क्वायर एरिया में लेवल कर रही है। मशीन चलाने के लिए ज़्यादा वोल्टेज की जरूरत नहीं पड़ती है, 100 से 240 वोल्ट तक मशीन आसानी से चल जाती है। इसी मशीन का ये जो दूसरा मॉडल है, इसमें प्लेट नहीं बल्कि डबल रोलर लगे हुए हैं। अभी आपने जो बड़ी मशीन देखी थी जिसमें दो रोलर लगे हुए थे, उसका और इसका वर्किंग प्रोसेस एकदम लगभग सेम ही है, लेकिन यह मशीन साइज में बहुत ही छोटी है। आपने जितने भी फ्लोरिंग मशीन्स देखी होंगी उन सभी से छोटी है और इसका वजन भी बहुत नहीं है, सिर्फ 50 किलोग्राम है, तो दो लोग मिलके आसानी से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं। इसमें भी दो मोड दिए गए हैं, एक मोड का यूज करके आप 80 सेंटीमीटर तक लेवल कर सकते हैं और दूसरे मोड का यूज करके 90 सेंटीमीटर तक लेवल कर पाएंगे। इसको चलाने के लिए बहुत पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 240 वोल्ट दे दीजिएगा, उसके बाद मशीन धड़ल्ले के साथ चलेगी। इसका जो डायमेंशन है वो पिछले मशीन के एकदम बराबर है, बस इसमें रोलर को चेंज किया गया है और स्पीड भी काफी अच्छी है। इसमें आप एक घंटे चलाने पर आप लगभग 60 मीटर स्क्वायर एरिया में लेवल कर पाएंगे, तो बताइए है गजब की नहीं। आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर सिर्फ फर्श करने की मशीन ही नहीं, चाहे बात की जाए पोहा इडली डोसा की या जलेबी चाय समोसा की, हर एक एक मशीन वालों के पास मिलती है। तो स्क्रीन में दिख रहे लोगों में क्लिक करके शॉर्ट चैनल और लॉन्ग चैनल दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में नहीं अभी सब्सक्राइब करना है। और हाँ, ये मत सोचिए कि वीडियो खत्म हो गई है, अभी मिलता हूँ स्क्रीन में दिख रहे इस नई और शानदार काजू कतली मेकिंग मशीन वीडियो में, जो कि बिल्कुल खोया की काजू कतली तैयार करती है।